My name is enjoyment and danger. मैं जब छोटा था तो मेरे 5 मिनट की दूरी पे एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग से बच्चों को दूर रखा जाता था। एक दिन मैं और मेरा दोस्त हम लोग रोड पे मिले। हमने डिसाइड किया, पहले हम बात की, फिर हमें उस बिल्डिंग के बारे में याद आया और हमने उस बिल्डिंग में जाने का डिसाइड किया, जस्ट टू टेस्ट आर करेज। हम उस बिल्डिंग की तरफ बढ़े, पहले तो हमें वहाँ पे कोई जगह नहीं मिली जाने की। फिर हमने एक विंडो से छलान मारी, नीचे आए, पहले तो हमें उस बिल्डिंग में काफ़ी सारी डस्ट दिखी। हमने अपने आप को साफ किया, फिर हमने एक दीवार पे राइटिंग लिखी थी उसको पढ़ा। उसमें पता नहीं किसने वाला लिखा था, आई एम डेड। ये सुन के मेरा दोस्त थोड़ा सा डरा, मैं नहीं डरा। फिर हमने ऊपर के जगह को एक्सप्लोर किया, पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर किया, कुछ रूम को छोड़ के। हमें ऐसा कुछ क्रिप्ट आउट करने को नहीं मिला। हमने एक किचन जैसे रूम को एक्सप्लोर किया, उसके ऊपर भी एक बिल्डिंग एक राइटिंग थी, उस राइटिंग में लिखा था आई एम अपस्टेयर्स इन द रूम। फिर हम खूब तेज़ से ऊपर गए, मैं लीड कर रहा था और मेरा दोस्त पीछे था। मैं लेफ्ट टर्न लिया। हम कॉशियसली वॉक कर रहे थे। हमने वॉक की थोड़ी दूरी पे, फिर हमें एक रूम दिखा। उस रूम पे भी एक राइटिंग लिखी थी, उस पे लिखा था यू विल फाइंड मी इन दिस रूम। ये सुन के मेरा दोस्त काफ़ी डर गया था, इवन आई वॉज क्रिप्ड आउट। फिर मैंने अपने दोस्त को नहीं दिखाया कि मैं डरा, मैंने उससे बोला चलो चलते हैं। मेरा दोस्त बोला हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। नहीं, हमें चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए अंदर क्या है। फिर मैंने कॉशियसली दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया। अंदर काफ़ी क्रीपी चीज़ लिखी थी, उस पर लिखा था यू विल फाइंड माई बॉडी इन द लेफ्ट एंड माई हेड इन द राइट। ये सुन पढ़ के मेरा दोस्त काफ़ी डर चुका था, वो भागने का ही सोच रहा था। मुझे लगा वो भाग जाएगा और वो भागा। जब मैंने उसका हाथ पकड़ने का कोशिश किया, वो अपना हाथ छटका के भाग गया। मैं उसे उसकी फुटस्टेप नीचे जाते हुए सुनी, पर मैंने अपना हिम्मत जुटाया और बहुत ही हिम्मत जुटा के मैंने राइट वाला दरवाज़ा खोला। मैंने जब उस रूम को एंटर किया, उसमें बहुत छोटे शब्दों में लिखा था माई बॉडी इज़ अंडरनीथ। और फिर जब मैं नीचे देखने खोदने के लिए लिखा, उसमें भी कुछ राइटिंग लिखी थी। मैं पीछे हुआ राइटिंग देखने के लिए पे क्या लिखा है। फिर मैंने पढ़ा माई हेड इज़ कमिंग फ्रॉम रूम बिहाइंड यू टर्न अराउंड। तभी मैंने कुछ रोल होती हुई चीज़ देखी, वो मेरे दोस्त का कटा हुआ सर था। उसकी डेड आँखें मुझे स्टेयर कर रही थी। मैं चिल्लाया और चिल्ला के वहाँ से भागा। मैं उस बिल्डिंग से कूद गया। कूदते समय मैंने अपना हैंड लॉस कर दिया, मेरे हैंड में फ्रैक्चर आ गया। जब मैं अपने घर पर पहुँचा तो मैं रोया और गाया। तभी वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने कोना कोना छान मारा। पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला, फिर एक और बार छानबीन करने के बाद पूरे बिल्डिंग को छाप मार दिया। तब उन्हें एक चीज़ मिली, वो चीज़ बहुत क्रीपी थी। उनको मिला मेरे दोस्त का बॉडी विदाउट हेड। पुलिस